फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि हम लोगों ने बचपन में बहुत से उसके आर्ट की अपनी कॉपी में बहुत सारे आर्ट उसके बनाए हैं। और तो वो प्लांट है लोटस का, जो कि आप सबने बहुत सारी उसकी ड्राइंग बनाई होगी और हमने भी बनाई है। तो वो प्लांट मेरे पास छोटे पॉट में था, तो मैं उसको रिपॉटिंग करना चाहती थी बड़े कंटेनर में। तो उसके लिए मैं आज बड़ा कंटेनर मंगाई हूँ, तो उसमें आज मैं उसका रिपॉटिंग करूँगी। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उसकी रिपॉटिंग भी कैसे की जाती है। मैं फ्रेंड्स उसको तालाब से मंगाई हूँ अपने लोटस के प्लांट को, क्योंकि मैं दो दो बार नर्सरी से प्लांट मंगाई हूँ जो कि वाटर लिली मुझे मिला। तो मैं इस बार खुद तालाब जा कर के और किसी बंदे से जो कि उस तालाब में था, तो मैं उससे लोटस निकलवा के ले आई हूँ। तो वो ओरिजिनल लोटस मुझे लगा कि हाँ, ये उसकी पत्तियाँ, और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि लोटस में और वाटर लिली की पत्तियों में फ्लावर तो अभी नहीं हुआ है, तो मैं उसका अंतर दिखाऊंगी आपकी, दोनों की पत्तियों में क्या अंतर होता है। और उसमें बहुत सारी खाने वाली चीज़ें भी, जो ओरिजिनल लोटस होता है उसमें बहुत सारी, जैसे आपका जिससे मखाना बनता है उसका बीज भी उसमें उसी से मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। इस फ्लावर का महत्व तो हमारे धार्मिक पुराणों में भी मिलता है, और आप सबको पता होगा कि विष्णु भगवान के नाभि से जो लोटस कमल निकला था उसी से भगवान ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि आप सबको पता होगा। और हम लोग बचपन में जो है बहुत सारे इसके संस्कृत के नाम जो थे, जैसे पंकज, जलज, सरोज, इन सब नामों का बहुत सारा हम लोग याद करते थे, और टीचरों से शायद हम लोग पिटाई भी खाते थे जब नहीं याद होता था, क्योंकि इसके बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसके बारे में बचपन से ही परिचित हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, और फ्लावर जब आएगा बाद में तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके का इसका फ्लावर होता है और लिली का कैसे फ्लावर होता है। तो वो मैं दोनों दिखाऊंगी, और पत्तियों में तो मैं आपको आज ही अंतर दिखा दूंगी कि दोनों में अंतर क्या होता है। और इसको ख़ास तौर से ये है, इस लोटस को पानी में ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ये मिट्टी में आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये तालाबों में, कहीं भी गड्ढों में, कहीं भी आ जाता है। जब अपने पूरे जब तालाब में भरता है तो ये बहुत ही खूबसूरत, उस तालाब का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो आज मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी, और बड़े कंटेनर में होगा तो उसकी बड़ी पत्तियाँ भी होंगी, उसके फ्लावर भी बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरीके से आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं अपने टेरिस पे हूँ, क्योंकि लोटस को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं उसे अपने टेरिस पे लगा रही हूँ। तो चलते हैं, उसे कैसे लगाएंगे फिर देखते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं पहले इसमें लगाई थी, ये छोटा है, इसका पॉट जो है ये छोटा है, और ये देखिए दूसरा वाला जो मैं मंगाई हूँ ये बड़ा कंटेनर है। और ये देखिए इसमें 3 इंच के करीबन मैं इसमें मिट्टी और काउडंक है, तो इसको बनाई हूँ उसके बाद से। और ये देखिए इसके ऊपर जब ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा लोटस, तो इसके लिए रेत मैं मंगा के रखी हूँ, अभी गीला हो गया, बरसात हुई है, तो ये ऊपर से डलेगा इस पर। और ये मिट्टी भी देखिए, कुछ मिट्टी भी ऊपर डालनी है उसके, तो ये काउडंक और मिट्टी मिला हुआ ये दोनों है। तो अभी शिफ्ट करते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें पानी है, तो ये मैं निकालूंगी थोड़ा पानी, तभी तो उसमें शिफ्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पानी निकल चुका है, और ये देखिए कुछ पत्तियां जो थी इसकी, जो ये ख़राब हो गया है। ये देखिए इसमें से, ये बिल्कुल छेदा रहता है, गैप भी रहता है, और ये जो तार निकल रहा है आप देख रहे हैं, इससे मंदिर में दीपक जलाने के काम आता है, जैसे बत्ती के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके कपड़े भी बनाए जाते हैं, पुराने समय में इसके कपड़े भी बनते थे जिससे कि बुखार उतर जाता था। तो क्योंकि मैं ऐसा पढ़ी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे यूज भी हैं। ये देखिए रेशे निकल रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए, और देखिए दोस्तों ये इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी हैं, बिल्कुल गोलाकार में।
और ये पानी से ऊपर रहता है, और वाटर लिली जो होता है वो उसमें पानी में ही डूबा रहता है, और इस पर पानी रुकता भी नहीं है। अगर आप एक बूंद भी पानी अगर डालते हैं तो इस पर पानी रुकता नहीं है, और पत्तियाँ इसकी बहुत बड़ी होती हैं, और फ्लावर भी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने उस छोटे वाले पॉट से निकाल के और मैं इसे बड़े वाले कंटेनर में डाल दी हूँ, और ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी जड़ें हो गई हैं। ये देखिए पूरा भर गया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा जब इसकी पत्तियाँ ऊपर ऊपर पानी के ऊपर होंगी। और अब मुझे इसमें मिट्टी डालना है, मिट्टी डाल के इसको सही तरीके से लगा के, और उसके बाद से इस पर रेत भी डालना होगा। तो इसकी मिट्टी भी बहुत कीचड़ के जैसी है जो मैं तालाब से लाई हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा रेत डाल दूँ। रेत इसकी मिट्टी को दबाए रहेगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने कंटेनर में पानी भर लिया है लोटस वाले। तो ये देखिए पूरी तरह से, ये 2-3 घंटे के बाद का ये है, पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जब पानी डाली थी तो बिल्कुल गंदा था, और ये साफ़ हो गया है, अभी और साफ़ होगा। तो देखिए दोनों पत्तियों में अंतर आप देख ही रहे हैं, उसकी पत्तियाँ कटी हुई हैं, इसकी बिल्कुल प्लेन है, कहीं से कटिंग नहीं है, और गोलाकार लिए हुए है। और अब ये मिट्टी पाया है तो इसकी पत्तियाँ और बड़ी होंगी, ये टहनी जो है इसकी ये और मोटा होगा, और इसमें खोखला रहता है बीच से बिल्कुल। तो ये देखिए, और इसमें पानी रुक नहीं सकता, ये पानी के ऊपर भी है एकदम पानी, देखिए इसमें पानी रुक नहीं सकता है, और गिरने के बाद भी ये देखिए सूखा हुआ बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सूखा, और पानी भी एकदम पारा की तरह मोतियों जैसे बिल्कुल, देखिए 1 सेकंड नहीं पानी इस पर रुक सकता है, देखिए। इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए पत्तियाँ ऊंची ऊंची, अभी और ऊंची और बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं इसकी। और मैं आपको अपना लिली का प्लांट दिखाती हूँ। ये लिली का प्लांट है, 2 पौधे मैंने लगाए हैं इसमें, एक ब्लू कलर का और एक पीच कलर का है, दोनों मैं एक में ही शिफ्ट कर दी हूँ, और ये भी बड़े कंटेनर में लगाई हूँ। तो ये देखिए इसकी पत्तियों में अंतर, अभी मैंने जो लोटस में दिखाया उसमें उसकी पत्तियाँ बड़ी थी और गोल थी बिल्कुल, और इसकी पत्तियाँ देखिए ये कटी हुई हैं और ये पानी में ही हैं। और एक जो एक और कलर वाला जो अब ये पर्पल का है या पीच कलर वाले का, तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ जो है ये थोड़ी सी कटिंग है, ये कटिंग है, और ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन कटिंग दोनों में है, ये कटी हुई है पत्तियाँ और उसमें बिल्कुल गोल है। तो यही अंतर है इन दोनों में, ये देखिए। और इसके इसमें खोखला नहीं होता है, इसका ये जो टहनी है इसमें खोखला नहीं होता है, और उसमें कमल में खोखला होता है, अंदर पूरा खोखला होता है और उसमें से रेशे निकलते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यही दोनों में अंतर है, तो मुझे यही समझ में आया। और लोटस खिलता है तो एक बार जब कली आती है वो तो 3 दिन खिलता है, तीसरे दिन खिल के उसके बाद ख़त्म होता है, उसी तरीके से ये भी खिलता है। तो ऐसे 3 दिन अगर एक कली आती है तो आप 3 दिन इसको उसके फ्लावर को देख पाते हैं, और सूरज निकलने के साथ ही वो खिलता है, और उसके बाद जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे वो वापस फिर बंद हो जाता है, उसका जो कली होती है तो बंद हो जाती है। फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो था, और आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।